हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली जो है हम इस वीडियो से अपने इंग्लिश की प्रेपरेशन को बेस्ट वे देने वाले हैं। मीन्स इस वीडियो में भाई आपकी सबसे बड़ी डाउट वो क्या होती है कि इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो वो सभी चीज़ें बताऊँगा कि आपको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है आपके क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे आपका जो 10 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए, वो आपके मार्कशीट में जुड़ जाए। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ी मार्क्स होती है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की बात होती तो हम उसको इग्नोर कर सकते थे, बट ये 10 मार्क्स होता है, कहीं ना कहीं इससे हमारा बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हो सकता है और इससे लॉस भी हो सकता है। तो आपको सटीक बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ग्रामर आपको पढ़ना है और ऐसी कौन सी ग्रामर है जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो सब चीज़ आपको कंप्लीटली बताऊँगा कि उसको आप कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे बहुत कम टाइम में। एक दिन में पूरे 10 मार्क्स की प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखो। एक दिन मतलब मुश्किल से 3 to 4 आवर में आप जो है कंप्लीट कर पाओगे आपके पूरे 10 मार्क्स के लिए ग्रामर को। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक कर देना, अगर अभी नहीं करना है तो देखने के बाद कर देना, क्योंकि आप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने ही वाली। तो देखो, सबसे पहला और इजिएस्ट ग्रामर है क्वेश्चन टैग। पूछा जाता है, बोला जाता है कि एड क्वेश्चन टैग करके, तो आपको क्वेश्चन टैग प्रिपेयर करना ही है। और आगे हम इसके और भी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस लाए, मतलब डू एस डायरेक्टेड का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड कराए। तो एक कमेंट कर देना प्यारा सा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट आएगा गारंटी है कि उतनी जल्दी आपको ये वीडियोस आगे प्रिपरेशन के लिए डू एस डायरेक्टेड की वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जैसे कि आपको क्लियर करना है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन टैग आना है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बहुत आसान होती है, सिंपल से उसका क्वेश्चन टैग में हमें बेसिक से नेगेटिव पॉजिटिव रूल को याद रखना पड़ता है, और उसमें जो शॉर्टकट जैसे कि डू नॉट को क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं ना, डिड नॉट को डिडंट लिखते हैं, वाज नॉट को वाजंट लिखते हैं। इस तरीके से जो बेसिक इसकी क्या है कहा जाए कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से 3 to 4 मिनट, मुझसे ज़्यादा नहीं लूँगा मैं आपका, ये आपके 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन टैग प्रिपेयर हो जाएगा। आपको सिंपल से करना क्या है, यूट्यूब में जाना है, क्वेश्चन टैग बाई एकलव्य RPS सर्च करना है, फिर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली 10 से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका भी 1 या 2। टेंस में कैसा बोला जाता है, चेंज द टेंस, मतलब आपको सपोज है प्रेजेंट सिंपल में दिया तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कुछ भी या फ्यूचर में बदलने बोला जा सकता है, तो इंटरचेंज करने बोला जा सकता है। इसके लिए आपको टेंस, पूरे टेंस को 1 by 1 by 1 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पूरे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से कर लो, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो टेंस भी पूरी अवेलेबल है, तो टेंस बाई एकलव्य RPS सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली वाइस, अगर आप टेंस पढ़ लिए हो तो गारंटी है कि वॉइस आपको आसान लगेगा, लेकिन बिना टेंस के आप वॉइस में जाओगे तो वो बहुत मुश्किल होने वाला, क्योंकि टेंस में सीधा फॉर्मूला लगता है और वॉइस में उसकी जस्ट अपोजिट फॉर्मूला लगता है। अगर आपको कहीं जाने का रास्ता पता है तो जाहिर सी बात है वहां से वापस आ भी सकते हो, है ना, इसलिए पहले टेंस करेंगे उसके बाद वॉइस, और वॉइस की भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको आपके एग्जाम में। चेंज द वॉइस लिखा रहेगा, मीन्स चेंज इंटू एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, चेंज इंटू पैसिव वॉइस भी पूछा जा सकता है, तो ये कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं नरेशन से, तो नरेशन के भी वीडियो अवेलेबल है, आपको महज 10 से 12 मिनट में वो आप कंप्लीट कर लोगे। नरेशन बाय एकलव्य RPS सर्च करना, ये सिंपल से 1 सिंगल वीडियो से ये प्रिपरेशन हो जाएगा। बट टेंस और वॉइस का आपको चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, चार्ट प्रिपेयर है मतलब डेफिनेटली आपकी वहाँ से भी पढ़ाई हो जाती है, और जब तक आप टेंस नहीं पढ़ोगे तब तक ना तो आपसे क्वेश्चन टैग बनेगा, ना तो वॉइस बनेगा, ना तो नरेशन बनेगा, ना तो नीचे आगे की ग्रामर बनेगा। इसलिए टेंस सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होती है ग्रामर की, याद रखना, और मैं आपको क्लास 9 से पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत से कर लिए होंगे, बट जो भी हमारे छोटे भाई बहन लोग नहीं किए हो वो याद रखना कि आपको टेंस सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से कर लेना, बहुत आसान भाषा में समझाएं, वो आप जा करके कर सकते हो। टेंस बाई आपको सिंपल सा एकलव्य RPS सर्च करोगे तो मिल जाएगा पूरी चीज़ें। ठीक है, तो फिर नरेशन की भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चेंज दी नरेशन लिखा रहता है, अदरवाइज उसमें बोला जाता है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इस तरीके से बोला जाता है। फिर क्लॉज, क्लॉज की बात करें तो क्लॉज में अंडरलाइन दी क्लॉज भी बोला जाता है, और जब कंबाइन यूजिंग क्लॉज की भी क्वेश्चन आती है, तो क्लॉज की एकमात्र ऐसा ग्रामर है जिसको आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बट हम इन सब चीज़ की वीडियोज और भी प्रैक्टिस के लिए अगर आप कमेंट करते हो देन, क्योंकि कम से कम एक एज वेल बोला जाए तो कम से कम 40-50 बच्चे
40-50 बच्चे जो है इंटरेस्टेड हो तो हम कोशिश करेंगे कि ले आए, बट उतना भी नहीं होती तो हम, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, हम एग्ज़ाम टाइम में उन्हीं बच्चों के लिए करेंगे जो बच्चों को ज़रूरत है एक्चुअल में। जैसे कि अगर टेंथ वालों के कमेंट्स आते हैं तो जाहिर सी बात है टेंथ की वीडियो आती है, ट्वेल्थ वालों का कमेंट आता है तो जाहिर सी बात है ट्वेल्थ वालों की आएगी, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि एक कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चले। फिर देखो आइदर और कंबाइन करने के लिए बोला जाता है, कंबाइन यूजिंग आइदर और करके नॉट ओनली बट आल्सो आता है, उसी तरह से एज लॉन्ग एज की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको करना है। और इफ़ अनलेस को रिप्लेस, इफ़ दिया रहेगा तो अनलेस लिखना है, अनलेस दिया रहेगा तो इफ़, ये रिप्लेस वाले पूछा जाता है। उसी तरीके से नाइदर नॉर की क्वेश्चंस पूछे जाता है, नो सूनर दैन की क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इन सब की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आप थोड़ी बहुत उसमें चेंज करके भी दे तो पूरी तरीके से आपसे बन जाए। तो जितनी भी टॉपिक मैं आपको बताया हूँ सभी को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सा एक छोटा सा है, इससे आपको प्रिपेयर कर लेना है। और कर लोगे तो डेफिनेटली आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।